पौड़ी गढ़वाल जिले में मुख्यमंत्री के आवास और वित्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के नागरिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों ने जनपद के महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्याओं से सचिव को जानकारी देते हुए शासन स्तर पर उसके निराकरण करने की बात कही। इसी क्रम में नागरिकों ने पूर्व में किए गए विभिन्न निर्माण कार्य जो अभी तक अधूरे हैं, उनको शासन स्तर से उचित अनुमोदित करते हुए उनके निराकरण की मांग की। वहीं पौड़ी से देहरादून नियमित पर्याप्त बसों को संचालित करवाने और बंद पड़ी पुरानी पार्किंग को पुनः सुचारू करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किए। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। आज नागरिक संवाद के क्रम में जनपद के संभ्रांत नागरिकगण और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ और माननीय विधायक पौड़ी भी उपस्थित थे उसमें, उसके संबंध में जनपद और नगर के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लोगों ने अपने सुझाव और अपने बिंदुओं को बताए हैं। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, सड़क शहर में यातायात की समस्या हो, या बस स्टेशन की समस्या हो, या शहर को जो है पर्यटन के रूप में जनपद को विकसित करने के लिए हो, इन संबंध में अपने भावनाओं को लोगों ने विस्तार से बताया है। और सरकार के स्तर से जो भी सकारात्मक और उत्तम हो सकता है उसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। इसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है कि सचिव स्तरीय अधिकारी जो है जनपदों में जाकर लोगों के साथ संवाद करेंगे और चीज़ों को समझें और आकर के फिर उस तरह की नीतियां और उस तरह की योजनाएं बनाएं, इससे कि प्रदेश का पूरा समग्र विकास हो।